Shri mตี Ramchandra Jai namaha Apadam ap

बीजम्मद्रुमस्य विश्रामस्थानमीकं कविवरवचा विश्रामस्थानमेकम् कविपरपचीवन् सना बीक्षद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतहि रामन तु भता भूतये रामनाम काम बहु कामपहुच्छ

मुकुटाङ्गदादे चैत्रभुसन अङ्ग अङ्गनि प्रतिसचि अम्भोजनयन विशालभुज धन्य धन्ये धन्यखन्ति कामकोटिमनोहारिस्वरूप ललितललामच्छवि परं करुणा सिन्धु भगवान श्री राम की प्रीति हमें निरंतर प्राप्त हो इस भाव के साथ मानस जी का साध्याय तुलसीदास तो महाराज जी अपनी कृति के बारे में सब सुजन जनों को कुछ निवेदन कर रहे हैं और अपने मन में इस बात का परितोष अनुभव कर रहे हैं कि मेरी ये मेरी कृति, रचना देख करके, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम का ही गुणगान है तो इसलिए सभी सुजन जन इसका श्रवण करके निश्चित रूप से सुख प्राप्त करेंगे खल खरी उपहास, दुष्ट जंतु भले ही हसी करें किंतु सुख सुजन सब सारे के सारे सुजन जन निश्चित रूप से इसका श्रवण करके सुख पाएंगे खल परिहास हित मोरा

भाषाभनिति भोरि मति मोरि हसि बे चोग हसिनहि खोरि प्रभुपद प्रीतिन सा मुझिनि के तिन्हि कथा सुनि लागिफिकि हरिहर पद रति मतिन कुतर की तिन कहू मधुर कथा घोबर की राम भगति भू जी जाने सुनिह सुनिहि सुजन सराहि सुबानि कबिन नहीं वचन प्रवीनु सकल कला सब वेद्याहि आखर अरथ अलङ्कृतिनाना छंद प्रपन्थ अनेक पिथाना भेद भीद अपारा कवित दोष गुण विपिथ प्रकारा कपित पिपीक एक नहीं मोरे सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे भनिति मोरे सब गुण रहीत भनि मोरी सब गुण रहता बेस पी तुनिक सौ विचारी सुनिहि समति सो तो विचारी सुनी हहि सुमति जिनके बिमल बिबे जिनके बिमल बिबे तुलसीदास तो महाराज जी कहते हैं कि प्रथमतः सबको प्रणाम निवेदन किया है अब अपनी रचना के बारे में इस ग्रंथ के बारे में श्री रामचरित मानस के विषय में तुलसीदास महाराज जी कुछ निवेदन कर रहे हैं खल परिहास मोरा काक ही कल कंठ कठोरा तुलसीदास महाराज ने पहले कहा भाग छोट अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास पी हहीं सुख सुनी सुजन सब खल करी हहीं उपहास मेरा भाग्य बहुत छोटा है और मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं किंतु मुझे एक विश्वास है कि इसको सुन करके इस रचना को सुन करके सभी सुजन सभी सज्जन जन सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी करेंगे खल परिहास हो हित मोरा लेकिन खल जन हंसी करेंगे भी तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है खल परिहास हो हित मोरा दुष्टों के हंसने से भी हमारा हित ही होगा क्योंकि लोक में काक कहाँ ही कल कठोरा लोक में ऐसा देखा जाता है कि मधुर कंठ वाली कोयल को भी कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं उनका अपना स्वभाव कठोर है कर्कश है लेकिन वो अपने ही स्वभाव का औरों पर भी आरोपण करते हैं उनको अति मधुर आ, स्वर वाली अति कोमल कंठ वाली जो कोयल है उसको भी वह कोयल भी कौओं को करकशी ही प्रतीत होती है क्योंकि उनका अपना स्वभाव ही वैसा है जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा ही हम देख पाते हैं संसार में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है जिस तरह का हमारा आंतरिक आंतरिक स्वरूप है वही प्रतीति उसी का प्रतिरूप हमें जगत में दिखाई पड़ता है तो काक कह ही कलकंठ कठोरा कवि तो मधुर कंठ वाली कोयल को भी कठोर ही कहा करते हैं तो अगर खलजन इस कृति का इस रचना का उपहास भी करेंगे परिहास भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हंस ही बक दादुर चातक ही जैसे लोक में बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को दादुर चातक ही मेंढक पपीहे को हंसते हैं अब गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो कोयल हंस पपीहे ये अति उत्कृष्ट गुण वाले हैं और जो काक है और बगुला है मेंढक है वो अपने कुछ उस प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त नहीं है लेकिन फिर भी काक कोयल को बगुला हंस को और मेंढक पपीहे का परिहास करता है स्वयं उन उत्कृष्ट गुणों से युक्त ना होते हुए भी जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं उनका भी उपहास करते हैं तो हंस ही मलिन खल बिमल बत कही जैसे लोक में इन प्राणियों में ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है वैसे ही तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मलिन मन वाले जो मनुष्य हैं वो निर्मल वाणी को सुन करके भी उसका उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य तो चूंकि होता नहीं चूंकि बुद्धि इतनी मलिन होती है स्वभाव इतना मलिन होता है तो जो निर्मल मन से कही गई बात भी है जो अत्यंत उत्तम हरि कथा भी है उसको भी ग्रहण करने का सामर्थ्य चूंकि नहीं होता है तो इसलिए उसका भी मजाक ही उड़ाते हैं उसका भी उपहास ही करते हैं उसके वास्तविक तत्व को तो ग्रहण नहीं कर पाते तो इसलिए परिहास करते हैं तो इसलिए तुलसीदास तो महाराज जी कहते हैं कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये लोग सिद्ध है कि निर्मल वाणी का भी कोई उपहास करता है तो इसका मतलब उसका स्वयं का चित्त निर्मल नहीं है वो स्वयं दुष्ट गुणों पेट है जैसे लोक में उदाहरण दिए तो खल परिहास हो मोरा खल यदि इसका परिहास उड़ा उड़ाएंगे इस कृति का तो उससे हमारा हित ही होना है उससे ज्ञात हो जाएंगे देखिए सुजन नहीं परिहास कर रहे ना सज्जन नहीं परिहास कर रहे सज्जन नहीं निंदा कर रहे तो सज्जन जब तक हमारे किसी कार्य की हमारे किसी कर्म की निंदा नहीं करते तो इसका मतलब हम ठीक रास्ते पर हैं और खल व्यक्ति परिहास कर भी रहे हैं निंदा कर भी रहे हैं दोष लगा रहे हैं कुछ कुछ बाधाएं डाल रहे हैं तो फिर उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो केवल अपने संस्कार को ही ऐसा करके प्रदर्शित करते हैं तो तुलसीदास तो महाराज जी कह रहे हैं कि इससे तो हमारा हित ही है खल परिहास करें तो हित ही है पत, कैसे हित है पता चल जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। निंदा कहाँ से आ रही है है ना आलोचना हमारी कहाँ से हो रही है इसका भी महत्व है निंदा करने वाला कौन है वो सुजन है कि वो खल है तो खल निंदा कर रहे हैं तो और आश्वस्त तुलसीदास तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम भीतर अपने मन में और आश्वस्त हो रहे हैं कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं खल परिहास हो ही हित मोरा सज्जन परिहास करें तो फिर चिंताजनक बात है फिर देखना पड़ेगा कि जीवन में हमने कहीं गलत मार्ग तो नहीं पकड़ लिया लेकिन पै हाँ सुख सुनी सुजन सब सुजन तो इसको पढ़ करके सुन करके इसकी चर्चा करके सुख पा रहे हैं सुख पाएंगे निश्चित रूप से तो इसका मतलब रचना हमारी उपयुक्त है और खल परिहास हो तो चिंता की आवश्यकता नहीं है कवित रसिक अब फिर तुलसीदास तो महाराज जी और भी निवेदन करते हैं कि वास्तविक बात तो ऐसी ही है क्या कवित रसिक न राम पद नहीं। इस इस कृति का भगवान श्री राम जी के गुणगान करने वाली कृति का भी परिहास कौन करेंगे? तो कहते हैं कवित रसिक न एक तो जिनको कविता में काव्य में गीतों में जिनको कोई रस नहीं है काव्य की विद्या को जो जानते नहीं है और न राम पद नेहू ना तो उनका भगवान श्री राम जी के चरणों में स्नेह है ना तो कविता में रुचि है और ना ही भगवान श्री राम जी के चरणों में जिनका स्नेह है तीन कह सुखद हास रस एहू उनके लिए ये कविता सुखद हास्य रस का कार्य करेगी भाषा भनिति भोरी मति मोरी भाषा भनीति एक तो ये जो रचना है भनीति माने रचना ग्रंथ रचना ये भाषा में है लोक भाषा में संस्कृत का इसमें बहुत थोड़ा सा उपयोग है मध्य मध्य में थोड़े से श्लोक संस्कृत में है बाकी सब लोक भाषा में है तो भाषा भनीति यह भाषा की रचना है प्रथम बात तो फिर भोरी मति मोरी क्योंकि विद्वान लोग जो है फिर वो लोक भाषाओं में की गई रचनाओं को उतना उत्कृष्ट नहीं मानते फिर वो संस्कृत में ही जो देववाणी है देवगिरा है उसी में की गई रचनाओं को उत्कृष्ट मानते हैं और वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, ऐसा भी स्वीकार करते हैं तो तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि मेरी ये रचना लोक भाषा में लिखी गई है भाषा भनीति अवधि में है ना ये सारा तो अवधि भाषा में है और भोरी मती मोरी दूसरी बात यह है कि जो रचना करने वाला मैं हूं वो मेरी भी मति अत्यंत भोली है बुद्धि भोली है इसलिए हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी इसलिए यह हंसने के ही योग्य है अगर कोई हंसता है इसको इस ग्रंथ को देख करके इस ग्रंथ को पर सुन करके तो हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है ऐसे तुलसीदास तो महाराज जी भाव से निवेदन कर रहे हैं कि मेरी रचना यद्यपि रचना अत्यंत उत्कृष्ट है और इसी रचना ने जनमानस को बहुत सारे बहुत सारे दोषों से विकारों से बचा करके भगवान श्री राम के चरणों में रत रखा है ऐसी उत्कृष्ट कृति है किंतु फिर भी तुलसीदास महाराज जी पूर्ण विनय के साथ ही निवेदन कर रहे हैं कि ये भाषा की रचना है दूसरी मेरी बुद्धि भी भोली है इसलिए यह रचना हंसने योग्य ही है हंस कोई हंस अर्थात इस गंध को देख कर के सुन करके कोई हंसेगा भी तो उनको भी प्रणाम ही है हंसने में कोई दोष नहीं है प्रभुपद प्रीति न सामुझी नी की तिन ही कथा सुनी लागी ही फीकी अब तुलसीदास तो महाराज जी कहते हैं कि एक बात इसमें ऐसे भी समझनी चाहिए कि ये कथा ये मानस जी की कथा ये ग्रंथ उनको फीका लगेगा जिनका न तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम है न सामुझी ने की और ना ही जिनकी अच्छी समझ है ना जिनमें अच्छी समझदारी है प्रभुपद पदरी प्रीति न जिनमें प्रभु पद के प्रति प्रीति भी नहीं है श्री चरणों में जिनका अनुराग नहीं है और न सा की और न ही जिनकी जीवन के प्रति उत्तम समझ है तीन ही कथा सुनी लागी ही फीकी उनको यह कथा सुनने में बड़ी फीकी लगेगी और जिन मधुर किन को लगेगी ये कथा दोनों है फीकी भी है मधुर भी है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए हुँ? नीम मीठा भी होता है कड़वा भी होता है यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें नीम कड़वा लगता है हुँ? और जिसको ज्वर होता है ना उसको नीम भी मीठा लगता है तो ऐसे ही एक रचना फीकी भी है और मीठी भी है तो फीकी किन के लिए है तुलसीदास तो महाराज जी निवेदन करते हैं कि जिनको प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग नहीं है उनको फीकी लगती है और मीठी किनको लगेगी लगेगी हर पद रति जिनको भगवान श्री हरि भगवान श्री हर के चरण कमलों में अत्यंत रति है अत्यंत प्रीति है और मति न कुतर की और जिनकी मति कुतर्क करने वाली नहीं है जो केवल तर्क के आधार पर ही अपनी छोटी सी बुद्धि के छोटे छोटे कुतर्कों के आधार पर ही पूरे संसार भर के निर्णय नहीं कर लेना चाहते जो शास्त्रों के वचन के अनुगामी हैं जो गुरुचरणों के वचनों का अनुसरण करने वाले हैं ऐसे हरीहर पद रत्त और सुबुद्धि वाले जन तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की उनके लिए तो ये भगवान श्री राम जी की कथा ये रघुवर रघुनंदन प्रभु श्री राम की कथा अत्यंत मधुर लगेगी जो श्री हरि और श्री हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते जिनकी दोनों में ही रहती है भगवान श्री विष्णु में भी और भगवान श्री शिव के चरणों में भी प्रीति है उनको रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी जो भगवत स्वरूपों में भेद नहीं करते शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु और शिव भगवान विष्णु जी के मानो हृदय ही भगवान शिव जी हैं और भगवान शिव जी के हृदय में सदैव भगवान विष्णु जी वर्तमान रहते हैं दोनों में कुछ भेद नहीं हैं तो ऐसे जो श्री हरि और श्री हर में भेद दृष्टि नहीं रखते हैं ऐसे भक्तजन पवित्र बुद्धि वाले भक्तजन उनको श्री रघुनाथ जी की यह कथया अति मधुर प्रतीत होगी और राम भक्ति भूषित जी जानी सुनिजन सरा ही सुबानी तो महाराज जी कहते हैं कि हमारे मन में यही बड़ा परितोष है कि जो सुजन जन हैं वो राम भक्ति भूषित जी जाने वो अपने मन में ऐसा विचार करेंगे अपने हृदय में ये जानेंगे कि ये रचना जैसी भी है लेकिन राम भक्ति भूषित जैसी कैसी भी है लेकिन ये राम जी की भक्ति से भूषित है राम जी की भक्ति का इस ग्रंथ में अलंकार रूप है अलंकार धारण किया हुआ है इस रचना ने तो ऐसा जान करके राम भक्ति भूषित राम जी की भक्ति से सुभूषित है मंडित है ये रचना ऐसा जान करके के ही सुजन सरा ही सुबानी इसको सुजन जन प्रसन्न मन से सुनेंगे भी और सुंदर वाणी से सराहना करेंगे सुंदर वाणी से सराहना करते हुए प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे अब तो अपनी बात कहते हैं कि मेरी क्या स्थिति है तो तुलसीदास महाराज जी कहते कवि नवीन मैं ना तो कोई कवि हूं और ना ही मैं कोई बहुत कुशल वक्ता हूँ वक्ता होते हैं ना बहुत कुशल वक्ता होते हैं बहुत बड़े जन समुदाय को प्रभावित करने का उनमें सामर्थ्य होता है उनकी वाकपटुता इस प्रकार की होती है तो तुलसीदास तो महाराज जी निवेदन करते हैं कि मैं ना तो कोई कवि हूँ और ना ही वचन प्रवीण हूँ बोलने में ऐसी लच्छेदार भाषा और ऐसी मनोरंजन करने वाली मन को बांध कर रखने वाली ऐसी भाषा बोलने में भी मैं कुशल हूँ ऐसा कुछ नहीं है कवि ना हो नहीं वचन प्रवीण हूँ ना तो कवि हूँ ना ही बोलने में कुशल हूँ वाक्य रचना में कुशल हूँ वि, इसके विपरीत मेरा के, आ, मेरी कैसी स्थिति है तो कहा सकल कला सब नू मैं तो सकल कलाओं से सभी कलाओं में और, और सभी विद्याओं से मैं रहित हूँ ना मेरे पास कोई विद्या विशेष है ना कोई कला सामर्थ्य विशेष है और काव्य रचना करने के लिए तो बड़े गुण आवश्यक होते हैं क्या गुण आवश्यक होते हैं तो उनको कहा आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विथाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा काव्य को समझने के लिए तो पूरे काव्यों के लक्षण शास्त्र होते हैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं या कोई लैंग्वेज सीखते हैं उसी तरह से पूरा बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं काव्य शास्त्र के उसमें काव्यों के लक्षणों का वर्णन होता है जो कविता करने वाले होते हैं उनको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए शब्दों का अलग अलग प्रकार के शब्दों का विशेष ज्ञान होना चाहिए उनका क्या अर्थ होता है अब शब्दों में बहुत प्रकार के अलंकार होते हैं कि एक जैसे शब्द आएंगे उनमें से दो दो अक्षर मिलते हुए आएंगे या प्रारंभिक अक्षर जिनका एक जैसा होगा तो बहुत प्रकार के इस तरह से अलंकार होते हैं शब्दों में और अर्थ में भी अलंकार होते हैं तो उन अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए छंद प्रबंध अनेक प्रकार के छंद होते हैं अनुष्टुप न जाने कितने ही प्रकार के छंद अलग अलग होते हैं भाव भेद भाव भी अलग अलग प्रकार के और रस भी शांत रस इत्यादि वात्सल्य रस करुणा रस इत्यादि अनेक प्रकार के तुलसीदास महाराज जी कहते हैं भाव भेद, रस भेद अपार बहुत सारे अनंत अनंत प्रकारों के रस भेद हैं और भाव भेद हैं और कवित दोष गुण विविध प्रकार और जो कविता करने वाले कवि लोग होते हैं वो कविताओं में क्या दोष नहीं होने चाहिए क्या गुण होने चाहिए इन सबको भी जानते हैं लेकिन मैं तो इन सबको नहीं जानता काव्य रचना करने के लिए जो गुण चाहिए जो जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए वो मेरे पास एक भी नहीं है कभी ना हो मैं कवि नहीं हूँ ना और कवियों के लिए कवियों को कविता करने के लिए इन सब चीजों का ज्ञान आवश्यक है आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा तो कवियों को तो ये सब ज्ञान होना चाहिए लेकिन तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कवित तो विवेक एक नहीं मोरे कविता रचने के लिए जो विवेक चाहिए ज्ञान चाहिए काव्य संबंधी उस एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है सत्य कहूं लिखी कागज कोरे ये बात मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ फिर ये रचना कैसी हो गई तो ये रचना तुलसीदास महाराज जी को भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है भगवान विश्वनाथ जी के आशीर्वाद के रूप में ये रचना हुई है भनिति मोरि सब गुण रहित तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सुजन जन विद्वजन इस ग्रंथ को इस भाव से ना देखें कि ये बड़ी उत्कृष्ट कविता होगी इसमें का, काव्य के न जाने किन किन गुणों का समावेश होगा किन किन अलंकारों का समावेश होगा इस भाव से ना देखें तो किस भाव से देखें भनिति मोरि सब गुण रहित विध्वजन पहले से ही जान लेजन साधु जन पहले से ही जान लें कि मेरी ये रचना काव्य के सब गुणों से ही रहित है भनिति मोरी सब गुण रहित ये मेरी रचना सब गुणों से ही रहित है वैसे सब गुणों से रहित नहीं है बहुत उत्कृष्ट रचना है इसमें बहुत सुंदर उपमाएं हैं भक्ति रस का करुणा रस का वीर रस का स्थान स्थान पर अत्यंत चित्त को आह्लादित करने वाला वर्णन है लेकिन तुलसीदास महाराज जी विनय पूर्ण हृदय से ये निवेदन कर रहे हैं सभी सुजनों से भनति मोरी सब गुण रहित आप सब मेरी इस कृति को सब गुण रहित ही जानिए विश्व विदित गुण एक बस इसमें एक ही गुण है विश्व विख्यात एक ही गुण है जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है सो विचारी सुनि हही सुमति सो विचारी उसका विचार करके उस एक गुण का ही विचार करके सुनि सुमति सुमतिजन उत्तम पवित्र बुद्धि वाले मनुष्य इसको सुनेंगे जिनके विमल विवेक जिनको अत्यंत निर्मल ज्ञान है ऐसे सुमति जन उस एक विश्व विदित जगत प्रसिद्ध गुण के कारण से ही इस हमारे ग्रंथ को सुनेंगे चर्चा करेंगे सुनाएंगे वो क्या एक गुण है उसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे रघुनंदन राम की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी केय देव भगवान की जय की जय ओ शांति 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 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐेभ्यो नमः